एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द सबमिट विद इन। सो इस चैप्टर में जो हमारे मेजर एचपीएस अलूवालिया हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि उन्हें कैसा लगा कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई करी, यानी माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने फतह हासिल करी। तो फतह हासिल करना मतलब होता है कि माउंट एवरेस्ट पर वो सक्सेसफुली उसकी जो शिखर होती है, उसकी चोटी होती है, उस पर पहुँचे थे, यानी माउंट एवरेस्ट के समिट पर पहुँचे थे। समिट मतलब होता है शिखर या चोटी या टॉप। तो द सबमिट विद इन चैप्टर का नाम है, सबमिट मतलब होता है शिखर या चोटी, विद इन मतलब अपने अंदर। सो अपने अंदर के जो हमारे चीज़ें होती हैं, अपने माइंड्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसके टॉप पे पहुंचना। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारे जो मेजर एचपीएस अलूवालिया है, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो चोटियों का जो शिखर है, जो चोटियों का समिट है, जो हम फतह करते हैं, उसके अलावा भी कुछ है जो हमें फतह करना है, जिसमें हमें जीत हासिल करनी है। वो है हमारे मन के अंदर की जो हमारा माइंड्स होता है, जो हमारी माइंड्स, हमारे मन का जो शिखर होता है, उसको भी हमें फतह हासिल करनी है। तो उन्होंने कहा, उनकी ऑब्जर्वेशन, यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंसान को अगर कुछ भी चीज़ क्लाइम करनी, किसी भी शिखर पे पहुंचना है, किसी भी चीज़ के टॉप पे पहुंचना है, तो उसको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। उनके पास तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कहते हैं पेशेंस को, धैर्य को, सहनशीलता को, कि अगर आपको परेशानियाँ हो रही हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं, आप इतनी मुश्किल से आप ऊपर चढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उस पर पेशेंस रखना है और आपको उस पर ध्यान नहीं देना जो आपकी परेशानियाँ हो रही हैं, आपको उस पर सब्र करना है। एंड्योरेंस होता है पेशेंस, धैर्य, सहनशीलता और सब्र। सेकेंड है परसिस्टेंस, यानी ज़िद्द। आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए है, बिना ज़िद्द के वो आपसे काम नहीं हो पाएगा। थर्ड है विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर आप चाहते हैं कोई काम है, तो आपको मन में इच्छा बनानी है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर अपने मन में बना ली, तो आप कोई भी चीज़ को फतह कर सकते हैं, किसी भी ऊंची से ऊंची चोटी को आप फतह कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उसको आप पार कर पाते हैं। तो जब उनका मन में ये सवाल आया कि उन्होंने क्यों माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का सोचा, क्यों माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की, तो फिर वो खुद ही कहते हैं कि क्योंकि उन्हें जो माउंटेन्स है बहुत पसंद है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया के सारे बड़े बड़े माउंट, मतलब सारे दुनिया के बड़े पहाड़ों में से, माउंटेन्स में से सबसे बड़ा है। तो उनको स्ट्रगल थी कि भाई, मैं दुनिया के सबसे बड़े जो रॉक है, जो पत्थर का सबसे बड़ा एक इमारत है, इमारत जैसे एक स्ट्रक्चर है, वो मुझे करना है, और बर्फ़ भी उसमें क्लाइम करनी पड़ती है, सिर्फ पत्थर ही नहीं है, उसमें आपको आइस भी क्लाइम करनी पड़ती है, बहुत चैलेंजिंग होता है। वो ये कहते हैं क्योंकि उनको ये चैलेंजेस फेस करने थे और इन सब बाधाओं को उन्हें पार करना था। तो वो ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने भाई माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि भाई बहुत ज़्यादा खुशी थी। वो ये भी कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना सिर्फ फिज़िकल अचीवमेंट्स के साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब फिज़िकली आप स्ट्रांग हो तो, ऐसे नहीं कि फिज़िकली स्ट्रांग हो तो आप क्लाइम कर लोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक टांग नहीं थी, उसने भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है अपनी निकली टांग के साथ। यानी फिज़िकल अचीवमेंट्स के साथ साथ आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी चाहिए। आपको मन में ये यकीन होना चाहिए, इमोशनली आपको स्ट्रांग करना पड़ता है अपने दिमाग को कि मैं ये कर पाऊँगा, तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी। तो ये सिर्फ माउंटेन क्लाइम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास फिजिकली आप स्ट्रांग हो, लेकिन आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर वो आगे ये कहते हैं कि जो समिट है, यानी जो शिखर है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हमें कंपेनियनशिप सिखाता है, यानी हमें दूसरों की थोड़ी बहुत मदद लेके आगे बढ़ना होता है। जैसे दो लोग को सेम रोप से उन्हें बंधे होते हैं, वो एक रोप में दो लोग बंधे होते हैं, और एक जो आगे वाला इंसान होता है, वो क्या करता है, रोप को आगे की तरफ किसी चीज़ में फंसाता है, फिर आगे वाला जो इंसान होता है वो एक एक इंच आगे बढ़ता है, फिर पीछे वाला उसके पीछे पीछे जाता है, यानी आगे वाला रास्ता बनाता है। जो क्लाइंबर होता है, जो फर्स्ट क्लाइंब करता है, वो रास्ते बनाता है, और जो मुश्किल वो जो रोप होते हैं, वो छोटे छोटे जो स्पेसेस होते हैं उसमें वो फंसाता है। सेकेंड वाला क्या करता है, उसको फॉलो करता है और एक एक इंच आगे बढ़ता है। तो बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल इंसान को माउंटेन क्लाइंब करना, यानी ज़िंदगी में वो कह रहे हैं हमें
इमोशनल सपोर्ट चाहिए अपने पार्टनर्स का, यानी कोई भी हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हम अपने आप नहीं कर सकते, हम फिजिकली वो चीज़ कर सकते हैं लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए होता है अपनी फ्रेंड्स फैमिली का। यहाँ पे वो कह रहा है माउंटेन में पार्टनर्स की ज़रूरत है, या ज़िंदगी में हम कोई भी काम करें तो हमें और लोग की भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी फ्रेंड्स की सपोर्ट हो, फ्रेंड्स की पेरेंट्स की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अलू वाली आगे ये भी कहते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे तो उन्होंने ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाया, यानी जो हमारे जो ये थे हमारे मेजर HPS अहलूवालिया थे, उन्होंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे जो भी जाता है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मतलब थैंक करता है अपने ईश्वर का, और अपने ईश्वर से के रिलेटेड जो भी वो जिस ईश्वर को मानता है वो वहाँ पे उनकी तस्वीर छोड़ते हैं। तो मेजर अहलूवालिया कहते हैं कि मैंने अपनी जो है गुरु नानक की मैंने पिक्चर वहाँ पे छोड़ी, जो रावत जी थे उनके साथ कोई इंसान होंगे उन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी, और फू दोरजी उनके साथ एक साथी थे तो उन्होंने जो थी लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है या स्टैचू है वहाँ पे उन्होंने छोड़ा, और एडमिन हिलरी जो उनके साथ एक मेंबर थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो उन्होंने एक क्रॉस उस बर्फ़ पे माउंट एवरेस्ट पे बर्फ़ के नीचे दबा दिया। सो वो ये भी कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक खुद की एक पहाड़ होती है, मतलब जैसे उसमें मुसीबतें परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, सवाल होते हैं बहुत सारे, तो हमें इस चोटी को, इस शिखर को हमें क्लाइम करना है। अगर हम इस शिखर को क्लाइम कर लेते हैं तो ये हमें बदल के रख देगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है। तो इससे आपको अपने अंदर, अपने मन के अंदर की जो ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ सवालों का, इमोशंस का, इन सबको आपको इसको पार करना है, इनको बाधाएं जो आपके दिल में है इसको शिखर पे पहुंचना, टॉप पे पहुंचना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। सो वो ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर की जो समिट है, यानी इंटरनल समिट, हमारे अंदर की जो शिखर पे उसको हमें पार करना, उस पर टॉप पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये माउंट एवरेस्ट को शिखर पे पहुंचने से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है, इसका कंक्लूजन ये है एंड दी एंड मोरल ये है कि हम कोई भी से भी कोई भी परेशानी, बाधा, मुसीबत को पार कर सकते हैं अगर हमारे पास एंड्योरेंस यानी पेशेंस धैर्य सहनशीलता है, परसिस्टेंस यानी जिद है, और विल पावर यानी इच्छा शक्ति है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।